तो दोस्तों वेलकम बैक, एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। एक बहुत बड़ा न्यूज़ है दोस्तों, और वो न्यूज़ ये है कि AIMM की पार्टी ने कांग्रेस को अपना समर्थन दे दिया है। कहां पर दिया है, किस राज्य में दिया है, आइए थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। ये बात है दोस्तों महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के अंदर राज्यसभा का चुनाव हो रहा है और AIMM के 2 MLA हैं महाराष्ट्र के अंदर। और अगर आपसे थोड़ा दिन पहले ये पूछा जाता कि क्या AIMM की पार्टी अभी भी कांग्रेस को समर्थन देगी, तो आप बिल्कुल साफ मना कर देते। खैर, ऐसा कुछ भी जो है ऐसा ही कुछ हुआ है दोस्तों कि एक बार फिर से AIMM की पार्टी ने जो है कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है। और क्या कहा है इम्तियाज़ जलील साहब ने, आपने ट्विटर भी देख सकते हैं, उनके ट्वीट देख सकते हैं, उनके जो अखबारात के आर्टिकल्स देख सकते हैं। इन्होंने कहा है इम्तियाज़ जलील ने कि इनके जो 2 MLA हैं महाराष्ट्र के, इन्होंने जो है कांग्रेस की तरफ से शायर इमरान प्रतापगढ़ी का जो उम्मीदवार है राज्यसभा के सीट के, तो उनको ही समर्थन देंगे, इनके ही वोट करेंगे। यानी कुल मिलाकर AIMM के जो 2 MLA हैं अभी मौजूदा समय में महाराष्ट्र के अंदर, वो दोनों के दोनों MLA जो है राज्यसभा चुनाव में जो है वो इमरान प्रतापगढ़ी को समर्थन देगी, उनको ही चुनेगी, उनको ही वोट करेगी। ये एक न्यूज़ है दोस्तों, और उम्मीद यही है कि आने वाले टाइम में जो है ये जो एक तरीके का कुल मिलाकर इमरान प्रतापगढ़ी का एक एहसान होगा AIMM अगर उनको सपोर्ट करती है, तो कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से उसको पे बैक करेंगे या नहीं करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर ये एक न्यूज़ था, एक अपडेट था जो कि मुझे आप तक पहुंचाना था। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया। जय लव यू।